साथियों नमस्कार स्वागत है आपका खेल स्टडी डीप चैनल पे साथियों यूपी ट्रिपल त्रिपलस्सी लेखपाल भर्ती और कुछ एक दो भर्ती के बारे में और बात बताऊंगा जो आज का प्रोटेस्ट है उसके बारे में बात करूंगा मैं साथियों तो 6 नवंबर है आपको आज माले मैं आपको आज कितना है 6 नवंबर है और आज से आपको दोबारा से आपका डी है मैंने सुबह भी मॉर्निंग में जो थी उसके बारे में बताया था आपको कि आज आपका डी होगा और आज लेखपाल का डीबी है आज 6 नवंबर को तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है इसका आंकड़ा मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो देखो आपको मालूम है कि पैंतीस पैंतीस छात्र छात्राओं की दस वो बनती हैं दस टेबल बनती हैं दस टेबलों में जो एवरेज होता है उसके बारे में हम बताते हैं ऐसा नहीं है कि हर सिर्फ हर टेबल पर दस लड़के ही मतलब एबसेंट हों किसी टेबल पर पाँच दो तीन इस प्रकार से लड़के भी एबसेंट होते हैं किसी पर आठ किसी के ग्यारह ग्यारह ग्यार बारह बारह भी एबसेंट हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो एवरेज निकल के आता है उसको हम डिस्कस करते हैं तो आज का जो एवरेज रहा है वो मान के चल सकते हो पाँच से लेकर छः के बीच में तो पचपन लोगों ने लगभग पचपन से साठ के लोगों ने बीच में डिवी स्किप किया है फर्स्ट सिप्ट में अब आप बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं किन डी बी स्क्रिप्ट से हो क्या रहा है जब एस अपना काम ही नहीं कर रही मैंने भी बताया था एस काम नहीं कर रही हकीकत बात ही है और ये एस का क्या रोल है इसी के बारे में मैंने ये नीचे लिख भी दिया है इसके बारे में चर्चा में हम करेंगे भी। अभी ठीक है अभी बताता हूँ आपको मैं ठीक है साथियों तो इस प्रकार से छः नवंबर को आपका डी स्टार्ट हो गया है तो आपको आज मैंने बता दिया पचपन से लेकर साठ के बीच में लोगों ने डी स्किप किया है ठीक है तो एक अच्छा खासा आंकड़ा है बढ़िया आंकड़ा है ऐसी बात नहीं है अच्छा खासा आंकड़ा आपको देखने को मिला है आज अच्छा। अब देखो एस के रोल के मैंने पहले ही बता दिया एस टी में बहुत ज़्यादा रोल नहीं निभाया अपना और एस अगर रोल निभाती तो इसकी कट ऑफ मुझे लग रहा है कि जस्ट आपकी जो डी बी कट ऑफ वही है इससे एक आध नंबर फालतू जाती है इसे ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो कट ऑफ है लेखवाल की वो आपकी 78.5 से 79 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आज भी जो एस ने रोल नहीं निभाया उसके बावजूद भी ठीक है तो वही मैंने बताया था पचास साठ लड़कों को एस ने एफ लड़के लड़कियों को मैंने डिवार किया है या ऐसा है कि विद हीड होकर आएगा उनका रेट लेकिन उसकी संभावना बहुत ना के बराबर है जो कुछ भी बताया जा रहा है पीट कर्मचारियों के द्वारा वो एकदम मैं कहता हूँ कि वो फेकी टाइप का है वो कुछ नहीं है इसमें आगे देखो साथियों ई पी टी में आपको मालूम है कि ए एस ओ की भर्ती को लेकर आज धरना प्रदर्शन है इको गार्डन में तो आप सारे लोग पहुँचे होंगे आई आई होप और शाम को कोई न्यूज़ होगी पॉजिटिव मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अभी तो नहीं अभी तो सिर्फ इस बारे की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ कि यू पी ट्रिपलस्सी में और मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी ई पी ट्रिपल्स्सी के जितने भी भर्तियाँ हैं उन सभी के लोग जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वही भर्ती के लोग जाएँ एक ही भर्ती के लोग जाते हैं तो फिर उसमें कुछ होता नहीं है क्योंकि वो दबाव नहीं बना पाते शासन पर और अगर आप बहुत सारी भर्ती हो जैसे कम्बाइंड टेक्निकल हो गया जेई हो गया यस हो, हो गया दो हज़ार दोनों हो गई और तुम्हारा मंडी हो गए सारे लोग अगर जाते ना तो इस पर दबाव बनता अगर बहुत देखो सीधी बात यह है कि मुठ्ठी पर लोग जाएंगे कोई दबाव नहीं बन पाएगा अब आप बहुत सारे लोग एक संख्या में होते तो आप दबाव बनाने में कामयाब हो जाते ठीक है अब देखो शाम को कितने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं वो आपको सबको डिटेल बताऊँगा मैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बारे में तो आपने आज धरने के बारे में पॉजिटिव न्यूज निकल के आनी चाहिए सीधी बात यह है कि आपके जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट आने चाहिए सीधी बात है ए का हो कम टेक्निकल का हो मंडी का हो जेई का हो ये रिजल्ट पहले आने चाहिए सीधी बात है दूसरा लेखपाल का रिजल्ट तो कन्फर्म है आपका दिसंबर में आ रहा है पच्चीस दिसंबर से पहले ही आ जाएगा ये बात कन्फर्म है ठीक है और ये आपको एक अच्छी न्यूज़ है लेखपाल वालों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपका रिजल्ट दिसंबर में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आ रहा है ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द हो जाएगी दूसरा पीटी के बारे में बता देता हूं साथियों बहुत संभावना यही है कि आपका जो आंसर की है आज हो जाए मतलब जारी लेकिन आज नहीं तो कल होगी जरूर जारी ठीक है क्योंकि आज की चांस अच्छे हैं इसके कि आंसर की सैटरडे को मैंने बताया था सैटरडे को अगर आंसर की जारी नहीं हुई तो मंगलवार को आंसर की जारी होगी लेकिन आज इसकी न्यूज़ मिल रही है कि आज इसके आंसर की जारी होगी पीटी की ठीक है तो आज पाँच छः बजे तक या दस बजे तक मान सकते हो रात्रि दस बजे तक आपको ये आंसर की देखने को मिलेगी पीटी की और पीटी की जैसी आंसर की देखने को मिलेगी और मैंने कहा था कि जो इसमें स्कोर ज़्यादा नहीं आएगा लोगों का और जिसके पचास नंबर से लेकर साठ नंबर के बीच में आएंगे उसका स्कोर इतना अच्छा होगा इसका कोई जवाब नहीं आप समझ लीजिए बहुत बेहतरीन स्कोर माना जाएगा पचास नंबर से लेकर साठ नंबर के बीच में बहुत अच्छा स्कोर ठीक है तो और इतने स्कोर पे पचास पचपन स्कोर पे आपको लोअर देने का मौका मिल जाएगा और बताओ कितना स्कोर चाहिए आपको ठीक है ये प्रोविजनल आंसर की आएगी इसके बाद एक रिवाइज आंसर की आएगी उसके बाद आपका रिजल्ट जो होगा पी का वो जारी कर दिया जाएगा जनवरी में ठीक है क्योंकि 24 जनवरी तक पीटी 2022 की वैलिडिटी है उसके बाद इसकी वैलिडिटी शुरू होगी तो आपको ये रही न्यूज़ और आज मैंने बता दिया कि जो लोगों ने जो डीबी स्किप किया है वो पचपन से लेकर साठ के बीच में है जो अच्छी न्यूज़ है एक अच्छा आंकड़ा है आज का ठीक है तो लेखपाल एस के बारे में बता दिया मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया कोई पचास साठ लोगों का बिधेल डो के रिजल्ट आने वाला है उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तो ये रही न्यूज़ और साथियों आपको न्यूज़ अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और बेल आइकन दबा दो जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ठीक है साथियों नमस्कार